ड्यूटी में थे आप? टाउन में थे यार। तो टाउन में थे तो कल घटना के बारे में आपको जानकारी नहीं है? जानकारी तो है। तो आप इस तरह से भी क्यों बोले कि हमको जानकारी नहीं है? जानकारी मतलब आप लोग इतना मतलब ये रहेंगे, लापरवाह रहेंगे कि घटना के बारे में जानकारी आप बोलना नहीं चाहेंगे आप लोग। कल हम गया से 100 किलोमीटर दूर थे, लेकिन आज रिपोर्टिंग करने के लिए मौके पर पहुंच गए हैं, और जिस स्थान पे हम खड़ी हैं वहीं पे अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ पे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड भी गिरा हुआ है, लेकिन जो आरोपी थे वो यहीं गोली मारकर इस गली से, आप गली को दिखाएंगे थोड़ा कैमरामैन, इस गली से फरार हो गए। बगल में कोर्ट है, 150 मीटर की दूरी पे सिविल लाइन थाना है और DIG ऑफिस है, और आए दिन यहाँ पे गया में ऐसी कई घटनाएं होती है जिससे गया का नाम जो है वो ख़राब हो रहा है। इस रोड में इतनी हलचल है कि हर एक मिनट और हर एक सेकेंड पर कोई ना कोई व्यक्ति आ जा रहे हैं। आखिर इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक अपराधी किसी व्यक्ति को गोली मारकर चला जाता है और प्रशासन सोई रहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, तो कहाँ गया आपका सुशासन की व्यवस्था? मैं मगध लाइव के दर्शक को यह बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री का आगमन भी 4 जनवरी को होने वाला है। इस गया में मुख्यमंत्री की आगमन 4 जनवरी को होने वाला है। वो समाज सुधार एक कार्यक्रम चला रहे हैं, उसी के तहत गया आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतनी हलचल वाली जगह में एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई, बगल में कोर्ट परिसर है, बगल में थाना है, उसके बावजूद अपराधियों को नहीं पकड़ा गया। आखिर कहीं ना कहीं इस बात का यह प्रूफ है कि गया में प्रशासन पूरी तरह से विफल है और अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए, गया में 20 दिसंबर को नई गोदाम में एक व्यवसायी से पिस्टल दिखाकर लाखों की लूट कर ली गई। क्या? और उसके दूसरे दिन भी डकैती हुई। कल बाबू धोबी नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। तीसरी जो घटना है, चंदौती थाना क्षेत्र के अधिवक्ता को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिनका इलाज पटना में चल रहा है। ना आम पब्लिक सुरक्षित हैं, ना वकील सुरक्षित हैं, ना इस बिहार में स्टूडेंट सुरक्षित है, ना लड़कियां सुरक्षित है। इतने सवाल हैं हमारे पास जिसका कोई जवाब नहीं होगा बिहार के प्रशासन के पास। चलिए हम बात करेंगे कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों से और वहाँ के लोगों से। चलिए आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेश हुआ। महेश हुआ, कल आप यहीं ड्यूटी पे थे? नहीं। कहाँ थे कल आप? दूसरे जगह ड्यूटी में थे आपका। मैंने ड्यूटी में थे ना। चलिए, आज आपका ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है? कल की घटना के बारे में जानकारी है? नहीं। जानकारी नहीं, कल आप ड्यूटी में थे, आपको जानकारी नहीं है? नहीं। आप कुछ कुछ नहीं जानते हैं? सीनियर से जाके पूछिए ना, उधर नहीं, सीनियर से भी हम पूछ लेंगे, सीनियर क्या है जूनियर क्या है हमारे लिए सब एक समान है। घटना के बारे में जानकारी है या नहीं? हाँ या नहीं बोलिए आप। नहीं है, नहीं जानकारी है। इनका नाम हुआ महेश प्रसाद चौहान, इनको घटना के बारे में जानकारी नहीं है। अभी ये बैठ के फोन में अपना क्या कर रहे थे वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमको घटना की जानकारी नहीं है। यहाँ पे कल हत्या हुई है, इनका ड्यूटी आज लगाया गया है, कल ड्यूटी में भी मौजूद थे, लेकिन बोल रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम SI दिलीप कुमार ठाकुर हुआ। अच्छा, कल आप यहीं ड्यूटी पे थे? कल ड्यूटी में हम पेट्रोलिंग में थे। घटना के बारे में कल की जानकारी है? बिल्कुल 100% जानकारी है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है घटना का, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये प्रशासनिक प्रशासन का ये आदमी है और अभी फोन में बिजी थे और ये बोल रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है कल की घटना के बारे में। इतना बड़ा घटना हुआ है, कोर्ट के समीप में घटना हुआ है और इनको जानकारी नहीं है, ये जान रहे हैं या फिर जानबूझ किस तरह की नौटंकी कर रहे हैं? ये कल शायद अपने कहीं ड्यूटी में अलग थे और आज अभी ड्यूटी। कहाँ ड्यूटी में थे आप? टाउन में थे यार। तो टाउन में थे तो कल घटना के बारे में आपको जानकारी नहीं है? जानकारी तो है। आप इस तरह से भी क्यों बोले कि हमको जानकारी नहीं है? जानकारी मतलब आप लोग इतना मतलब ये रहेंगे, लापरवाह रहेंगे कि घटना के बारे में जानकारी आप बोलना नहीं चाहेंगे आप लोग। इस तरह का हरकत नहीं चलेगा यहाँ पे, समझ गए आप लोग? कल की घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम तो पेट्रोलिंग में थे तो सुने कि कहीं गोली चली है यहाँ। अच्छा, तो हम लोग आए हैं, इसके बाद विशेष जानकारी हमको तो उतना मन हुआ, उसके बाद तालुकुल्लास को लेकर। अच्छा, क्या लगता है आपको, अगर प्रशासन चौकन्ना रहती जिस तरह से आप लोग आज लेफ्ट राइट कर रहे हैं, अगर इस तरह से कल हुआ होता तो क्या घटना होती या नहीं होती? नहीं, देखिए घटना को तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग को पेट्रोलिंग है, ड्यूटी करने देते हैं। जी जी जी, कोई अपराधी नहीं हो, कोई घटना नहीं घटे, इसके लिए हम लोग माने चारों तरफ पेट्रोलिंग अपने करते रहते हैं। अच्छा, गया में आए दिन ऐसी कई घटनाएं हो रही, हाल ही में एक व्यवसायी से लूट किया गया पिस्टल दिखाकर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर कैसे इन लोगों पर जो रोक लगाया जाएगा अपराधियों पर?
तो हम लोग तो ड्यूटी करने तक करते हैं, हम जो आदेश वरीय पदाधिकारी महोदय का आदेश होता है ड्यूटी हम लोग चारों तरफ करते हैं। इसके अच्छा, आपके डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से कामचोर ये अधिकारी हैं जिसके वजह से इस तरह की घटना हो रही है? अगर सारे पुलिस अधिकारी चौकन्ने रहेंगे तो इस तरह की घटना पर रोक लगाया जा सकता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कहने का मतलब कि हम लोग तो ड्यूटी कंटिन्यू करते हैं, ड्यूटी में लगातार रहते हैं, ड्यूटी से मैंने कभी अधीन रहते हैं। अब इसके बारे में और हम क्या कह सकते हैं? अब चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रवीण कुमार। मास्क हटा लेंगे, बात करने में आसानी होगी। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण कुमार। क्या करते हैं आप? एडवोकेट हैं। एडवोकेट हैं, कल यहीं थे आप? हाँ यहीं थे। घटना के बारे में जानकारी है कि नहीं? हाँ, घटना के बारे में मस्जिद के पास ही हत्या हुई थी। अच्छा, आम पब्लिक सुरक्षित है या नहीं पहले से बताइए आप। सच पूछा जाए तो न्यायालय के इर्द गिर्द तो असुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर अपराधी लोग आते जाते रहते हैं, उनका केस के मुतल्लिक पैरवी करने के लिए आते हैं। और सच पूछी जाए तो प्रशासन की लापरवाही इस नज़रिए से झलकती है कि घटना के ठीक अपोजिट साइड में पुलिस का बैरक है। अच्छा। जिसमें 20-20 कांस्टेबल हैं, पोस्टेड हैं। उन लोग पैरवी करने वाले लोगों को पहले पड़ताल होती थी, लोग पड़ताल करते थे, अंदर में भी पेट्रोलिंग लोग करते थे पुलिस वाले, लेकिन आज अपने केबिन में पड़े हुए रहते हैं। इसका नतीजा है कि पुलिस मुखदर्शक बनी हुई रहती है और लोग कोई झोला लेकर के, थैला लेकर के, छोटे छोटे सामान लेकर के, कोई चाकू लेकर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इसका नियति होता है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है। चलिए, हमारा जो देश है वो दो वर्दी पर टिका होता है, कहे तो तीन वर्दी पर, एक ये खाकी वर्दी पर, दूसरा ये काला कोट पर और तीसरा सफ़ेद कोट पर जिसे डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि उनको भी खास बॉडीगार्ड नहीं दिया जाता है, आए दिन अस्पताल में घटनाएं होती रहती हैं और डॉक्टर साहब मार खाते रहते हैं। वकील साहब ने भी बताया कि हाल ही में एक व्यक्ति जो मतलब लॉयर थे, अधिवक्ता थे, उनको भी गोली मारकर घायल कर दिया गया। चलिए हम आपको दिखाएंगे आगे की व्यू, मेन रोड की व्यू और वहाँ के कुछ पब्लिकों से बात करेंगे। ये बाहर का व्यू आपको हम दिखाएंगे, सामने जो आपको दिख रहा है वो आयुक्त कार्यालय मगध प्रमंडल गया है, जहाँ कमिश्नर साहब विराजमान होते हैं। वो सामने वाले जो आपको रेड कलर का जो भवन दिखाई दे रहा है, कैमरामैन जूम करके उसको दिखाएंगे, अब फोकस करिए उस पर। वहाँ हमारे इस जिला के महामहिम, जिला के महामंत्री, जिला के मालिक, जिलाधिकारी यानी DM साहब विराजमान होते हैं। और यहाँ और वहाँ की दूरी 200 मीटर है, जहाँ पे अपराधी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देते हैं। मगध लाइव के साथ मैं हूँ समर राठौर, आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने आए हैं। दिखाएंगे इस भीड़ को कि कितनी हलचल भरी ये सड़क है, प्रशासन भी है, यहाँ भी प्रशासन, वहाँ भी प्रशासन, बगल में व्यवहार न्यायालय है, उसके बाद भी आए दिन यहाँ पे घटना हो रही है और प्रशासन मौन है, सरकार भी मौन है। 4 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आएंगे और वो ये देखिए, नगर प्रशासन की गाड़ी भी यहाँ से क्रॉस कर रही है। आए दिन ऐसे कई प्रशासन की गाड़ियाँ क्रॉस करती है, जिलाधिकारी साहब भी इसी तरह से क्रॉस करते हैं, लेकिन अपराधी पर कोई भी लगाम नहीं लगाया गया है। समाज सुधार कार्यक्रम बिहार के मुख्यमंत्री का चलेगा इस गया में। क्या नाम हुआ सर आपका? यहीं ड्यूटी में हैं आप जी? कल भी यहीं थे? हम तो रोड पर है। कल की घटना के बारे में जानकारी है? कुछ नहीं, हम तो रोड चला रहे थे, हमरा उधर क्या पता है कोर्टों का। उस समय नहीं पता है, अब पता हुआ कि गोली मारकर हत्या किया गया किसी का? तो सुने सुने ना, तो इधर अपराधी नहीं आया तो उधर से भाग गया? इधर नहीं, हम देखे उसको। आता तो पकड़ते कि नहीं? देखते थे ना, पकड़ते पकड़ लेते ना, अपराधी को नहीं पकड़ पाते आप? हमको अपराधी से मतलब नहीं, हमको कोई मतलब नहीं, गोली मारकर चल जाएगा आपको कोई मतलब नहीं, गोली चलेगा आपको कोई मतलब नहीं है, देखेंगे तो ना कुछ कहेंगे। हाँ तो ऐसे बोलिए ना, बोलते हैं कोई मतलब नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? गोरेलाल पासवान। कहाँ रहने वाले हैं आप? केवला गांव। केवला, केवला। यहाँ पे जो घटना हो रही है, कल की घटना के बारे में जानकारी है? नहीं मालूम है। नहीं मालूम, आपसे कोई बात नहीं किया जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? दुर्गेश प्रसाद, एडवोकेट। एडवोकेट हैं आप? कल थे इस कोर्ट परिसर में? नहीं थे, इस कॉर्नर पर थे। कॉर्नर पे थे तो हल्ला सुने, समझे कि मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। उसके अलावा तो हम लोग को ज्यादा नॉलेज नहीं है। आप सुरक्षित है? सुरक्षित तो ऐसे कहिए कि कोई भी नहीं है। वकील साहब को भी गोली मार दिया गया कुछ दिन पहले, पता है ना? वो तो पता है, पटना में भर्ती हैं। हाँ, तो आप भी तो सुरक्षित नहीं ना हैं? कोई भी सुरक्षित? प्रशासन से मदद मिलती है?
प्रशासन भी बेचारा क्या करेगा, कितना को प्रोटेक्शन देगा जी, सड़क पर जा रहा अब मार देगा, कितना प्रशासन करेगा, कितना को प्रोटेक्शन देगा, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है बगल में कोर्ट परिसर है, बगल में आयुक्त कार्यालय मगध प्रमंडल है, बगल में जिलाधिकारी है, और यहाँ भी जब लोग सुरक्षित नहीं तो सुरक्षित रहेंगे कहाँ लोग, कहाँ सुरक्षित रहेंगे बताएंगे वकील साहब। देखिए सुरक्षा तो चाहिए सभी नागरिक को, नहीं नहीं इतना हाईलाइट वाले जगह में जब सुरक्षित नहीं है लोग तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे, क्यों नहीं प्रशासन प्रोटेक्ट करेगी जनता को, प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए गाड़ी जो है सुनिए, यहाँ पे गाड़ी जो है लगाने के लिए लोग लगा के सब वीआईपी चले जाते हैं, क्या यहाँ पर लगाने का यह थी पार्क बनाया गया है, आप ही तो नहीं सोचे हैं, अब गरीब जो लोग हैं जो लोग लगाता है यहाँ पे उसको लोग उठा के नगर आयुक्त ले जाते हैं और उससे फाइन भी कर देते हैं, उसको भेज भी देते हैं, इसमें 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 जनता की गलती है। अरे भाई जनता की, अगर ये अभी आप देख रहे हैं सामने गाड़ी लगी हुई है जो वीआईपी गाड़ी है इसको नहीं पकड़ सकता, तो यहाँ पे जब गाड़ी लग रही तो प्रशासन फाइन करे इस पे, फाइन करने के लिए कड़ा ये बनावे कानून तब ना, तो प्रशासन कहीं ना कहीं ढीला है ना, ढीला है तो वो तो बड़े लोग यहाँ जो आईजी रैंक के हैं उनको ये आदेश देना चाहिए कि यहाँ पे गाड़ी नहीं लगना चाहिए, इसको मानते हैं ना कि अधिकारी लापरवाह है, अधिकारी तो लापरवाह है ही, पब्लिक कहाँ सुरक्षित है, जब अधिकारी लापरवाह है तो पब्लिक कहाँ सुरक्षित रहेगी, ये कमान जो है आईजी महोदय को सोचना चाहिए कि हमारे सामने में इतनी बड़ी इतनी गाड़ी लगे हुई इसमें बम रखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे बम रखे देता लोग तो उड़ जाएगा तो वो भी चले जाएंगे, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे लगना ही नहीं चाहिए गाड़ी, किसी का गाड़ी नहीं लगना चाहिए, प्रशासन मुहैया तंदुरुस्त नहीं है, नहीं प्रशासन प्रशासन तो मुहैया मजबूत इसलिए नहीं है क्योंकि मजबूरी है, मजबूरी ये है कि अगर यहाँ पे छोटे लोग यहाँ पे कमाते हैं अब बड़े लोग की गाड़ी है तो भाई वो कहेगा अलग यहाँ पर नहीं रखो, तो यही बात है, आप लोग पहले ये सोचिए। अब आईजी साहब जो हैं उनके सामने गाड़ी लगा हुआ है, देख लीजिए आप आईजी साहब के सामने गाड़ी लगा हुआ है उसमें क्या हो सकता है, कल देखिए लुधियाना में बम ब्लास्टिंग हुआ, तो इसी तरह का देखना है तो यहाँ पर नहीं लगना चाहिए गाड़ी, लेकिन यहाँ तो लोग लगा के छोड़ देते हैं, चलिए यातायात ये कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद आपका। ये मेन सड़क है जहाँ से डीएम ऑफिस के लिए गाड़ियाँ जाती है, बगल में कचहरी है, और ये सड़क इतनी चहल पहल के साथ भरी रहती है जिसका कोई जोड़ नहीं है, आप देखेंगे कि यहाँ पे आए दिन इतनी बड़ी लंबी गाड़ियों की कतार लगती है, इतना पब्लिक का यहाँ पे जाम लगा रहता है, लेकिन अपराधी आते हैं और गोली मार कर चले जाते हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है। चलिए कैमरामैन इस गली को दिखाएंगे, इसी गली में ये मेन सड़क से 100 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति की हत्या की गई है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति की हत्या की गई है, और यहाँ पे इतना जाम है, इतने लोग हैं, उसके बावजूद यहाँ पे अपराधी दिन दहाड़े गोली मार कर चले जाते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रशासन से जब बात किया जाता है तो वो कहते हैं हमको जानकारी नहीं है। सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सचिव गया बार एसोसिएशन, सह मेंबर बिहार स्टेट बार काउंसिल पटना। आपका नाम सर? मुरारी कुमार हिमांशु। सर दो दिन पहले एक लॉयर की गोली मारकर घायल कर दिया गया और कोर्ट परिसर के बाहर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, आए दिन ऐसी घटनाएं गया में हो रही हैं, वकील से लेकर पब्लिक तक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में आप? अभी जो हमारे यहाँ जो वर्तमान गया जिला का जब हम बात करेंगे तो गया जिला में लाइन ऑर्डर एकदम बिल्कुल ही खराब है, दयनीय है, नित्य दिन हमारे अधिवक्ता बंधु या जो भी लिटिगेंट आते हैं बाहर से उनका मोटरसाइकिल अगर लगा हुआ है तो उनका ध्यान मोटरसाइकिल की ओर है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो गया तो प्रत्येक दिन न्यायालय परिसर के अगल बगल या बार एसोसिएशन के अगल बगल लगभग 1 से 2 मोटरसाइकिल प्रतिदिन चोरी होता है, साइकिल जो हमारे गरीब लिटिगेंट आते हैं साइकिल से, कुछ गरीब लोग और आते हैं जो लोकल उनका भी साइकिल भी प्रत्येक दिन 1-2 चोरी होता है, इस पर हम लोग बहुत बार सिविल लाइन थाना प्रभारी को भी बताए कि यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था के लिए 1-2 आप गार्ड नियुक्त कर दीजिए, या दिघी तालाब का जो छोर है जो आप पुरवारी गेट कहिए सिविल कोर्ट का, उसमें भी लगातार देखते होंगे कि आपका बाइक लगा हुआ है लेकिन कोई वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, अगर 1 से 2 गार्ड वहां पर और 1-2 गार्ड एसोसिएशन के सामने अगर सरकार के तरफ से या हमारे जो डीएम साहब हैं एसपी साहब हैं उनके माध्यम से अगर मुहैया हो जाए तो सुरक्षा के कुछ व्यवस्था हो सकता है, लेकिन एकदम आज का स्थिति जो हमारे एक अधिवक्ता बंधु
का जो गोली मारा गया इस पर तो अब हम लोग और असुरक्षित हैं कि हम लोग कैसे काम कर सके, इस शहर में रह करके कैसे अपना काम चला सके। हम लोग तो दहशत में ज़िंदगी जी रहे हैं और सरकार के तरफ से या प्रशासन के तरफ से हम लोग को कोई सुरक्षा की व्यवस्था। सर एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा कि आखिर सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? अगर वकील एक वकील साहब को गोली मारकर घायल कर दी गई है तो आप लोगों की तरफ से क्या फैसला लिया जा रहा है इस पे? सर सरकार से हम लोग अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का बिल हम लोग केंद्र सरकार को सौंप दिए हैं। तो आप लोगों ने सुना गया एसोसिएशन बार के सेक्रेटरी मुरारी कुमार को, जिन्होंने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए और साथ ही खुद को असुरक्षित महसूस किया। हमने आम आदमी से भी बात की जिन्होंने सरकार पर आरोप लगाए तथा प्रशासन को एकदम लापरवाह बताया। तो मैं मगध लाइव के न्यूज तले से मैं नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कि कभी नालंदा से फुर्सत मिले तो गया की ओर भी रुख कर लीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि आप जिस तरह से सो रहे हैं बिहार में अपराधी जाग रहे हैं, आप सो रहे हैं, आपकी प्रशासन सो रही है और अपराधी जाग रहे हैं। अगर आप जागिएगा अपराधी सो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।